टोक्यो ओलंपिक का आज 12वां दिन है, आज भी भारत को कोई पदक नहीं मिला। कमलप्रीत कौर फाइनल में छठे स्थान पर रही थी। पुरुष हॉकी टीम के पास आज पदक पक्का करने का अच्छा मौका था, लेकिन बेल्जियम से टीम हार गई। वहीं रेसलिंग में भी भारत को हार मिली। तो कैसा रहा आज ओलंपिक में भारत का दिन, जानिए इस रिपोर्ट में। ओलंपिक में आज का दिन भारत के लिए निराशा लेकर आया। भारतीय पुरुष हॉकी टीम फाइनल की रेस से बाहर हो गई है। उसे सेमीफाइनल में विश्व चैंपियन बेल्जियम के हाथों 5-2 से हार मिली है। टीम इंडिया के पास अब भी मेडल जीतने का मौका है। 5 अगस्त को वह अब ब्रॉन्ज मेडल के लिए खेलेगी। हॉकी में हार के बाद भारत को रेसलिंग में भी निराशा मिली है। सोनम मलिक 62 किलोग्राम वर्ग का मुकाबला हार गई हैं। उन्हें मंगोलिया की खुरल खू के हाथों हार मिली है। अंत तक स्कोर 2-2 रहा, लेकिन मंगोलिया की पहलवान को अंतिम अंक जुटाने की वजह से विजेता घोषित किया गया। भारत के स्टार शॉटपुट खिलाड़ी तेजिंद्र पाल सिंह तूर का भी प्रदर्शन खास नहीं रहा। तेजिंदर का बेस्ट थ्रो 19.99 मीटर का रहा। भाला फेंक के फाइनल के लिए अनुरानी क्वालिफाई करने से चूक गई। अनुरानी 54.4 मीटर के साथ 14वीं पोजीशन पर रही। अब भारत की उम्मीदें कल हॉकी और बॉक्सिंग के मुकाबलों पर है। हॉकी में महिला टीम और बॉक्सिंग में लवलीना का सेमीफाइनल मुकाबला है। लवलीना मेडल पक्का कर चुकी है, लेकिन उनकी कोशिश गोल्ड पर पंच लगाने की होगी। टीबी लाइव की रिपोर्ट।